हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बी फ्रेंड, सवाल खुद से। तो आज का जो टॉपिक है वो है टफ सिचुएशन, कि जब हमारे लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे माइंड को, हमारे हर एक कंडीशन को एकदम ब्लैंक करके रख देती है। हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कहाँ जाएँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उस समय हम क्या करें, उस समय हम कैसे इस कंडीशन से बाहर निकलें, यही होती है टफ सिचुएशन। कुछ कंडीशन तो ऐसी भी होती है, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही नॉर्मल सी होती हैं, जो कभी आती है हमारी लाइफ में, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, चलो ये हुआ है तो कोई बात नहीं, हमारे पास इसका इलाज है या फिर हमारे पास इसका सलूशन है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें अंदर तक पूरा तोड़ के रख देती हैं। मैं उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो हम कैसे इससे बाहर निकलें, तो कैसे हम आगे बढ़ें, ओके शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए 3 स्टेप है, आप इन 3 स्टेप को फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, बहुत आसानी से, यकीन मानिए। एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ, स्टार्ट करती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि रात है, रात से आपको बहुत घबराहट होती है कि मुझे बहुत डर लगता है, जल्दी से सुबह हो, जल्दी से सुबह हो। आपको पता है कि सुबह हो जाएगी, आपको पता है सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उस कंडीशन से बहुत डर लग रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे कैसे ये कंडीशन बीतेगी, कैसे ये रात बीतेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या अगर आप टेंशन लेंगे इस बात का कि ये रात कैसे बीतेगी, तो क्या वो रात बीत जाएगी? क्या आपके टेंशन लेने से वो रात तुरंत खत्म हो जाएगी क्या? नहीं ना। तो अगर आप वही चीज़ आराम से सोचेंगे, समझेंगे कि अच्छा ठीक है, रात है, सुबह भी हो ही जाएगी, बहुत ही परेशान नहीं होता हूँ और सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब क्या करते हैं, अब आपको मैं स्टेप बताती हूँ इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो पहले ये कि आप हर एक कंडीशन जो भी आपके साथ गुजर रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये कंडीशन है जो कि बुरी है, ओके। जैसे कि जो रात वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, उसमें क्या, ये रात है, ये सही है कि ये रात है। अगर आप उसको ये मानने लगे कि नहीं ये रात नहीं, मैं तो बिलीव कर रहा हूँ कि ये तो दिन है और सब ना सब सही चल रहा है, एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन आप इससे रियलिस्टिक से दूर हो जाएंगे, आप एक अपोजिट कैरेक्टर में चले जाएंगे जहाँ पे आप रियल चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं। मतलब रात है तो है, ये बात तो सही कि रात है। अब उस रात में आप पेशेंसफुली कैसे उससे निकल जाते हैं, कैसे उससे हम सुबह तक पहुँचते हैं, क्योंकि सुबह भी है वो भी रियलिस्टिक है, ओके। तो वो सुबह आने दीजिए ना, सुबह एज्यूम क्यों कर रहे हैं, एक आप उस इमेजिनेशन वर्ल्ड में क्यों जा रहे हैं जो रियलिस्टिक नहीं है। तब तक वही वाला हाल हो जाएगा जिसमें एक मूवी थी और उसमें उसको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या चीज़ें रियल हैं और क्या चीज़ें इमेजिनरी हैं, ओके। तो रियलिस्टिक रहिए, आप उस कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ अगर दुख आया है तो हाँ ये दुख है, लेकिन हमें इस दुख से बाहर निकलना है, ओके। पहली कंडीशन ये है कि एक्सेप्ट कीजिए उसको। सेकेंड चीज़ क्या है कि आप काम डाउन रहिए, मतलब कि आप कहिए कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि अगर कुछ बुरा होता है तो अच्छा भी ज़रूर होगा, सब ठीक हो जाएगा, यकीन है मुझे सब ठीक हो जाएगा। ये आपको खुद से बोलना पड़ेगा, ओके। और इसके बाद भी अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी चल रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है कि कैसे ख़त्म होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं इतना बोल रहा हूँ फिर भी मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि सब चीज़ें कैसे ख़त्म होगी, तो आप क्या कीजिए, रियल लाइफ जो भी स्ट्रगल की स्टोरीज होती हैं उसको आप देखिए। यकीन मानिए अगर उसको देखेंगे ना, तो आपके अंदर जो भी डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, आप एकदम डिप्रेस हो रखे हैं उसकी वजह से, जो भी टेंशन है उसकी वजह से, तो आप अचानक से ऑटोमेटिक आप मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं और हम देखते हैं कि हमारे जैसे इंसान और भी कोई है और उसके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैपन हो रही हैं, लेकिन वो सब चीज़ों से बाहर निकल के आ रहा है, पूरी मजबूती के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है, तो आप में वो हिम्मत अपने आप आ जाएगी। तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप इसको अगर करेंगे तो आप हर एक कंडीशन में, चाहे वो जैसी भी कंडीशन हो, आप सब कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं, ओके। तो ये 3 स्टेप था जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, जिसको आप सोचेंगे इसके बारे में, सबसे पहले तो आप फॉलो करने से पहले सोचिएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इंसान कोई भी अगर कुछ कह देता है तो आप उसको बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आप उसको बस फॉलो किए जा रहे हैं। पहले आप खुद सोचिए कि क्या आप उसको वो चीज़ कर सकते हैं, आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप उसको अपनी डेली हैबिट में कैसे उतारेंगे, ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस किसी ने बोल दिया और भाई चलो हम तो ये लेना शुरू कर देते हैं। हर कोई अपना सोल्यूशन बताता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने रियलाइजेशन से,
तो अगर वो आप पे फिट होती है तो आप इसको जरूर आजमाइए। क्या पता आप पे ये फिट हो जाए कि आप एक कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, क्या पता आप पे ये फिट हो जाए कि आप अगर कोई रियल स्टोरी देखते हैं तो वो आपके दिमाग में हमेशा फिट रहती है, इसलिए जो भी टफ कंडीशन आती है आप उससे तुरंत बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो तीनों स्टेप है ना वो आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, जरूरी है कि आप तीनों ही फॉलो करने जा रहे हैं। क्या पता कि आप एक फॉलो करके हम तुरंत उस कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। तो कोई भी चीज लेने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले उसको सोचिए कि क्या ये मेरे लिए सही है और क्या मैं इस तरह से करूंगा तो सच में बाहर निकल जाऊंगा। एक आध बार करके देख लीजिए ना, कुछ हो तो ट्राई करने में क्या जाता है ना। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले खुद में सोचना शुरू कीजिए। थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा आपको परेशानी होगी स्टार्टिंग में कि यार इतना टफ होता सोचना, क्या सोचेंगे, समझ में नहीं आ रहा है क्या होती है लाइफ, क्या होता है टेंशन, क्या होता है प्रॉब्लम। पर जब प्रॉब्लम आएगी ना, तब आप जब एकदम शांत हो जाएंगे ना, आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, तब उस समय समझ में आएगा आपको कि कितना ज़रूरी था ये सब को लेकर सोचना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे मैंने बताया कि आप कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं ऑल इन ऑल कीजिए, मतलब कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। इन सब चीज़ों को उस समय करने के लिए आपको पहले से स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आप वो कैसे रहेंगे, आप लॉजिकली थोड़ा सोचें इस चीज़ को लेकर कि अगर बहुत ही टफ कंडीशन कुछ ऐसी आ गई जिसमें एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई ऐसा हमसे बहुत दूर चला गया जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो क्या हम ये सब चीज़ें बिल्कुल सोच भी पाएंगे, क्या ये दिमाग में हमारे आएगी क्या? तब तक हम इन सब चीज़ों को लेकर पहले से कभी सोचे नहीं होंगे, तब तक हम कोई रियल स्टोरीज पढ़े नहीं होंगे, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, लॉजिकली तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग एकदम खाली होगा, आपको लगेगा बस अब कुछ नहीं है, सब बेकार है। तो इसलिए स्ट्रांग अभी से बनना शुरू कीजिए, अभी से चीज़ें करना शुरू कीजिए, जिससे कि अगर कभी वो कंडीशन लाइफ में आती है, आई विश कि ऐसी कोई कंडीशन आए जिससे कि आपकी ज़िंदगी रुक जाए, ठीक है। तो अगर बाय चांस ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो उस समय भी आप इन सब चीज़ों को सोच के, इन सब चीज़ों को अपना के उस टफ कंडीशन से बाहर निकल सकें, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, ओके। और इसके साथ ही अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, बहुत टफ कंडीशन कुछ करी है कभी और आप उससे बाहर निकले हैं, तो अपनी स्टोरी या फिर अपना जो भी सोल्यूशन है कि आप उससे बाहर कैसे निकले हैं ये जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। और इसके अलावा भी जैसे कि ये मैंने 3 स्टेप बताया आपको, ये मेरा रियलाइजेशन था, ओके। अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो कैसे बने स्ट्रांग, उसका बेसिक क्या है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रखी है, आप उसको देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से और डिटेल में समझ पाएंगे कि हम स्ट्रांग कैसे बने हैं, हम ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं उसको अपने हैबिट में कैसे उतारे हैं, ताकि वो समय आने से पहले ही हम ऑलरेडी इतना अपने आप को स्ट्रांग बना लें कि उससे बहुत आसानी से बाहर निकल सकें, सुबह होगी ये हमें यकीन रहे, ओके। तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और सोचते रहिए, सोचेंगे तो सोल्यूशन जरूर निकल जाएगा। टेक केयर, बाय।